डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजीव रंजन, आई एम पेडियाट्रिशियन इन नोएडा। दोस्तों, आज ऑटिज्म सीरीज के लास्ट वीडियो में आपसे मुलाकात कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म। शायद इसी का सबको इंतजार रहता है कि आपने तो साइंस बता दिए, सिम्टम्स बता दिए, स्टेजेस बता दिए, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, जिसके लिए सभी अभिभावक काफ़ी चिंतित रहते हैं। दोस्तों, आज की डेट में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ट्रीटमेंट तो उपलब्ध है, और इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है अर्ली इंटरवेंशन, यानी जितना जल्दी आप इसमें सकारात्मक कदम उठाएंगे, इसको डायग्नोज कराएंगे, हमारा ट्रीटमेंट उतना ही अच्छा हो जाएगा और उसमें सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। वैसे तो मैं बता दूं कि ऑटिज्म का जो ट्रीटमेंट है, इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। एज अ पेरेंट्स, आपको समझना पड़ेगा कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रेगुलर हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, और इसकी जो रिजल्ट्स है वो थोड़ी स्लो होती है। इससे घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, और उतनी ही मेहनत आपको घर पे करनी है। तो जहां मैं पहले बता रहा हूं आपको अर्ली इंटरवेंशन, इसके साथ इसमें एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, और इन सभी के लिए सबसे पहले आपको अपने बच्चे का असेसमेंट कराना पड़ता है। इसमें हियरिंग से लेकर स्पीच के सभी के आपके असेसमेंट होते हैं, उसके तहत एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार होता है। बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपीज इंस्टीट्यूट्स हैं आज नोएडा और दिल्ली में, जहाँ पे काफ़ी दक्ष लोग आपके बच्चे पे काम करते हैं, उनको क्लासेस दे करके उसमें काफ़ी सुधार की संभावनाओं पे वर्क करते हैं, और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज के डेट में जहाँ 26 मिलियन बच्चे इससे ग्रसित हैं, यह एक काफ़ी प्रोग्रेसिव तरह का ट्रीटमेंट प्लान है, जहाँ पे नए नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं और ये काफ़ी तेज़ी से उनके पास ऐसे बच्चे जाते हैं और स्वास्थ्य लाभ करके आते हैं। तो इसमें जैसे मुख्यतः स्पीच डिले या लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो स्पीच थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑटिस्टिक चाइल्ड्स, जहाँ पे ओटी क्लासेस में आपको स्पीच थेरेपी दी जाती है। और मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चे के पास एक घंटा कम से कम समय निकालें, मम्मी पापा अलग अलग, और उससे कम्युनिकेशन स्थापित करें। आप उनसे काफ़ी स्पीच में मदद मिलती है, और इससे आपके बच्चे में काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हम डाइट की बात करें तो इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स का प्रयोग करना चाहिए, जो कि सकारात्मक रिजल्ट देता है। और इसके अलावा सारी चीज़ें ये क्लासेस रिलेटेड ही होती है, जिसमें ओटी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपने बच्चों को सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन के साथ डायग्नोज करें, और इस ट्रीटमेंट के तहत आप ओटी क्लासेस लें। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, बिकॉज हमने बहुत सारे बच्चों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा है। हाँ, अभिभावक थोड़ा परेशान ज़रूर होते हैं कि डॉक्टर साहब, इतने समय हो गए क्लास लेते हुए, मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, बट इसमें रिजल्ट ज़रूर आते हैं। मैं आपको बताऊँ, 80% से ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और अपने लाइफ में सकारात्मक काम कर सकते हैं। आप इन सब का लाभ उठाएं, अपने निकटतम पेडियाट्रिशियन से सलाह लें, समय समय पे उनके असेसमेंट कराएं, और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।